बस दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मस्त मज़ेदार से पॉम्फ्रेट थाली। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं पॉम्फ्रेट करी, पॉम्फ्रेट रवा फ्राई हम बनाएंगे और पॉम्फ्रेट तवा फ्राई भी बनाएंगे हम। इसके साथ ये मस्त गर्मा गर्म चावल एकदम ही झटपट बन जाती है दोस्तों ये थाली। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के पॉम्फ्रेट लिए है। इसे मैंने अच्छे से धो के लिया है, मसाला अच्छे से अंदर तक जाने के लिए इसे मैंने ऐसे कट करके लिया है। अब इसमें हमें डालना है स्वादानुसार नमक। इसे में हम डालेंगे रोज के इस्तेमाल वाला लाल मिर्ची का पाउडर, आधे नींबू का रस हम इसमें डालेंगे। अब ये सारी चीज़ों को हम पॉम्फ्रेट पे अच्छे से लगा के लेंगे। पॉम्फ्रेट के ऊपर सारी चीज़ें अच्छे से लग गई है। अभी इसे हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम इसकी ग्रेवी बना के लेते हैं। यहाँ पे हमें फ्रेश नारियल लेना है, इसे मैं अच्छे से ग्रेट करके लिया है। इसे में हम डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 7 से 8 हम डालेंगे भिंडी मिर्ची, 1 मीडियम साइज का हम इसमें टमाटर डालेंगे और 1.5 चम्मच हम साबुत सूखा धनिया डालेंगे और एकदम छोटे साइज का हमें इसमें प्याज डालना है और एकदम थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे पीस के लेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में हमें एकदम थोड़ा सा तेल लेना है। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 कूटी हुई लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियों को हमें एकदम भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है और इसे में हम डालेंगे ये पीसा हुआ वाटन। वाटन को हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून के लेना है। वाटन अच्छे से भून जाए इसके लिए हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और 4 से 5 हम इसमें डालेंगे कोकम। आपके पास कोकम नहीं है तो आप ये जगह पर टमाटर को बढ़ा सकते हो। अभी इसमें हम डालेंगे पानी। ग्रेवी का थिकनेस आपको कैसा चाहिए वो हिसाब से आप पानी को कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी इसे हमें स्लो गैस पे 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पका के लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेवी है अच्छे से पक गई है और थोड़ी सी थिक भी हो गई है। अभी इसमें हम डालेंगे फिश। यहाँ पे मैंने पॉम्फ्रेट को अच्छे से धो के लिया है। अभी इसे हम ये ग्रेवी में डाल देंगे और हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका के लेना है स्लो गैस पे। फिर हमारा ग्रेवी है वो बन के रेडी हो जाएगा। चलिए अभी हम रवा फ्राई का कोटिंग बना के लेते हैं। यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है, 1/4 कप चावल का आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच सूजी, थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे नमक और काश्मीरी मिर्ची का पाउडर हम डालेंगे यहाँ पे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला के लेंगे। यहाँ पे जो मछली का कोटिंग है वो बन के रेडी है। पॉम्फ्रेट को हमने जो मैरिनेट करके लिया था उसे हम ये कोटिंग में डाल देंगे और अच्छे से इसे हमें दबा दबा के अच्छे से इसको आटा लगा के लेना है। अभी इसे हम फ्राई करके लेते हैं। अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो फिश है वो नीचे से चिपक जाता है। गैस को हम मीडियम पे डालेंगे और इसे हमें अच्छे से एक साइड से पकने देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बुलबुले है साइड में वो कम हो गए हैं, मतलब एक साइड से फिश है वो अच्छे से पक गई है। अभी इसे हम पलट के लेते हैं। दूसरे साइड से भी हमें मीडियम गैस पे इसे अच्छे से फ्राई करके लेना है। यहाँ पे फिश है वो अच्छे से फ्राई हो गई है, अभी इसे हम निकाल के लेते हैं। अभी हम फ्राई करेंगे तवा फ्राई पॉम्फ्रेट। यहाँ पे हमें पॉम्फ्रेट को कोई भी कोटिंग नहीं लगानी है, डायरेक्टली हमें इसे तेल में छोड़ देना है और इसे हमें अच्छे से एक साइड से फ्राई होने देना है। यहाँ पर हमें गैस है वो मीडियम पर ही रखना है। पॉम्फ्रेट एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है, अभी इसे हम पलट के लेंगे और दूसरे साइड से भी हमें इसे अच्छे से पका के लेना है। यहाँ पे तवा फ्राई पॉम्फ्रेट है वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है। पॉम्फ्रेट थाली बन के रेडी हो गई है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।